हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने जो है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपका रेलवे एग्ज़ाम यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं, और उसमें आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान की सीरीज़ यानी कि बायोलॉजी, और इसमें आज ये आपका पहला लेक्चर होगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, यदि आप हमारे एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। कौन सा जो है कोशिका अंग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया और राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका अंग है जिसे पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, यानी क्या चीज़, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं और इनकी खोज जो है वैज्ञानिक सिम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है सिम्पर ने की थी। इनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं और इनमें मैग्नीशियम दो धनायन उपस्थित होते हैं। और हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना हरित लवक का मुख्य कार्य होता है। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स, यानी पादप कोशिकाओं में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन जो है आपका पशु में जो है ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है पशु कोशिकाओं में। तो यह था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है, डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्पाइलिसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए एम्पलीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो है अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीकी का प्रयोग करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग करता है, और यह तकनीकी वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफ्रीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था, और इसके द्वारा जैविक माता या पिता की पहचान भी संभव है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी। ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफ्रीज जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, फ्रेडरिक मेयसेर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोबस लेवेन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस की क्रिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रेडरिक मेयसेर जो है डीएनए को सबसे पहले अलग किया था फ्रेडरिक मेयसेर ने। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रेडरिक मेयसेर ने डीएनए को अलग किया था, और उन्होंने 1869 ईस्वी में मरी हुई पस कोशिकाओं यानी श्वेत रुधिराणु से केंद्र का पदार्थ निकाला, और इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा अधिक होती है परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अतः जो है उन्होंने क्या किया कि केंद्रक में प्रोटीन्स के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया तथा इसे न्यूक्लियंस नाम दिया। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स, फ्रेडरिक मेयसेर जो है सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए जो है परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो, वंशावली। तो जो विषम परीक्षण, ये डीएनए जो परीक्षण होता है इसके संबंध में पोलियो का कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये जो है विषम है, यानी सी ऑप्शन गलत है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो उपयुक्त जो भी विकल्प दिया था इसमें जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है, जबकि पोलियो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है
ज्ञात है कि भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। आपको पता है हमारा भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, और पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है। बाकी आपसे पूछा गया क्यों भिन्न है, तो आप इस तरीके से पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, बाकी जो है जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है, यानी कि डीएनए में ये सारी जाँचें हो सकती हैं, ठीक है, होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल के विभाजन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल समसूत्रण जो है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, तो समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। लूसी, होमो नलेडी, होमो सेपियंस, ऑस्टियोपिथेलिन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, होमो नलेडी का खोज किया गया है। मानव विकास के संबंध में हाल ही में अभी खोज की गई है, होमो नलेडी जीवाश्म की खोज की गई है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है, तो पहला ऑप्शन है ओजोन, ऑर्गेनो क्लोरीन, लाइकेन, प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑर्गेनो क्लोरीन। ऑर्गेनो क्लोरीन जो है जैव आवर्धन या जैव संचर का कारण है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, ये है आपका पिछले क्वेश्चन का डिटेल्स की क्या है। मानव विकास से संबंधित हाल ही में होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई, और होमो नलेडी जीवाश्म की खोज जो है दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम वर्ष 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा जो है वर्ष 2015 में की गई थी। ये था आपका होमो नलेडी की खोज। अब ये जो प्रश्न था, अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जो है खरपतवार नाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, और ये पदार्थ जो है खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं, और इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप ऑर्गेनो क्लोरीन, DDT, BHC आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। तो ये था आपका जो है इस प्रश्न का डिटेल्स, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। ठीक है, DDT और BHC क्लोरीन, ऑर्गेनो क्लोरीन, ठीक है। तो यह था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन, नॉन रैंडम मैटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्परिवर्तन जो है वह विचार है जिसकी नई प्रजातियां का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो यह आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, तो उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है, और उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है या उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ये जरूर याद रख ले क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। और उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, और ज्ञात है कि जो उत्परिवर्तन जींस में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाते हैं। तो यह था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, इथेनोइक,
और फॉर्मिक नाइट्रिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक। पेट की परत से कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से जो है एसिड प्रवाहित होता है वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो अमाशय की आक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का श्रावण होता है और इसी जठर रस की उच्च अम्लता यानी pH जो है 1.0 से 3.0 तक HCl के कारण होती है और HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में क्या करता है, बदल देता है, कौन, HCl अम्ल। ठीक है, यह था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन मेनार्ड केयंस, ग्रेगर मेंडल और डोनाल्ड बेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेगर मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत के सिद्धांत बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली और इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। एक अनुवांशिक प्रकृति है, एक गैर अनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है या प्रकाश में अनावरण के कारण है। तो आमतौर पर जो वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है एक अनुवांशिकी प्रकृति है, क्या है, एक अनुवांशिक प्रकृति है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिकी प्रकृति है जिसे एक्स सहलग्न रोग कहते हैं। और वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं और इस रोग में स्त्री वाहक की भूमिका में रहती है। यानी कि स्त्री के द्वारा जो है ये चीज़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजक न्यूटन। तो विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन यानी ए ऑप्शन सही है। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो जो विकल्प आपके दिए गए हैं, चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जो कि डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है और चार्ल्स डार्विन यानी कि डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस में छपी है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति और इसकी व्याख्या जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी है। कौन, चार्ल्स डार्विन, जैव विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये था आपके प्रश्न, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और जो भी आपको सुझाव देना है आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। तो एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।